हेलो गाइस बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो भाई आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने जितने भी अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं, चाहे वो हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन डायरेक्ट कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से कैसे करते हैं, या यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे करते हैं। तो भाई आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो सबसे अच्छी क्वेश्चन है, चाहे वो बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, या आने वाले आपके स्कूल एग्जाम में या अगले साल जब बोर्ड के एग्जाम होंगे तब उसमें आ सकते हैं। तो आज हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हो गए हैं उनसे रिलेटेड। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिएगा, cos 2x + 2 sin 2x / cos 2x, हमें इसको सॉल्व करना है। बोर्ड का क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आ चुका है, और अच्छी बात यह है कि एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में से आया था, डिटो सेम। फाइन, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर एंगल जो है वो 2x है, यहां पर एंगल कितना है 2x है, और हर जगह एंगल कितना है xx है। तो आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले एंगल सेम बनाइए, हर जगह पे आप सेम एंगल बनाइए। सो मैंने cos 2x की आइडेंटिटी का यूज किया, हम लोगों को cos 2x की बहुत सारी आइडेंटिटीज आती हैं, मैं उसका यूज कर रहा हूं जिसमें ये टर्म आती है। सो हमें पता है cos 2x क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x। cos 2x क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये 2 sin स्क्वायर x एज इट इज लिखा, फिर मैंने इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, अपॉन cos square x। सो मैंने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया, बिकॉज cos 2x इज 1 - 2 sin square x। तो भाई अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचेगा 1 ओवर cos square x, वो ऊपर चला गया, तो ये बनेगा secant square x, और हमें पता है secant square x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x + c। क्या होगा इसका, tan x + c। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन भी सेम एक्सरसाइज 7.3 का ही क्वेश्चन है, और ये भी आपका बोर्ड्स में आ चुका है। ये दोनों ही क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज के हैं और दोनों ही बोर्ड्स में आपके आ चुके हैं। जो चीज मैंने आपको यहां सिखाई है ना एंगल वाली, सेम चीज हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। यहां पर भी एंगल जो है वो 2x है और x है, राइट, अल्फा कॉन्स्टेंट है, स्टिल यहां पर एंगल 2 अल्फा है और यहां पर एंगल अल्फा है, सेम प्रॉब्लम थी। सो हमें यहां क्या करना पड़ेगा, यहां पर एंगल को सेम लेवल पे लेके आएंगे, मतलब अगर यहां 2x है और यहां x है तो यहां पर भी x बनाएंगे, राइट, यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, x बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे cos 2x की, इस बार हम लोग आइडेंटिटी ये वाली यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x - 1। cos 2x की ना चार आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें मैंने साइन वाली यूज करी है, इसमें मैं cos वाली यूज कर रहा हूँ, रीजन बिंग क्योंकि हर जगह पे cos पड़ा है तो cos वाली आइडेंटिटी का यूज करने में हमें बेनिफिट ज्यादा है, राइट। सेम मैं इसके लिए भी यूज कर रहा हूँ जो हमारी नेक्स्ट टर्म है cos 2 अल्फा, सो दैट विल बी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, जो डिनोमिनेटर है लेट इट बी सेम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में से डिटो सेम आया था। देखो भाई यहां माइनस वन है और ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया, तो वन से वन कट जाएगा, वन से वन कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। क्या किया मैंने स्टेप में, यहां पर माइनस वन आएगा और ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो वन और माइनस वन गई, यहां से 2 कॉमन लिया, ऊपर पड़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे cos x माइनस cos अल्फा सेम। अब जो भी आइडेंटिटी यूज करोगे उसको मेंशन जरूर करोगे, जैसे हमने यहां पर आइडेंटिटी यूज की है आप इसको मेंशन करोगे जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया था, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, ये टर्म गई कैंसिल आउट हो गया, सो बाहर बचेगा 2। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, cos का इंटीग्रेशन हमें पता है sin x होता है, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है। अब इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, और इस टर्म में कोई भी ऐसा है ही नहीं जहां पर x पड़ा होगा, तो मतलब ये टर्म कैसी है, कांस्टेंट। ये टर्म क्या पड़ी है यहां पर, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को तो एज इट इज लिखेंगे, और साथ में क्या आ जाएगा फिर x + c। जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट एज इट इज रह जाता है और साथ में क्या आ जाता है उसके, x। सो भाई ये बनेगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं आपको आज कराऊंगा, बोर्ड्स में आ चुके हैं, लेकिन आपके स्कूल एग्जाम में या अगले साल आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो एमसीक्यू में आए या 2 मार्क्स में आए। फाइन, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपको आज करा रहा हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये सारे क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है।
कुछ इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस है, कुछ थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस है, राइट, बट है सारे अच्छे। अब जरा ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर के कंपेयर करो न्यूमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर में पड़ा है एक्स ए की पावर एक्स, न्यूमिनेटर में पड़ा है ए की पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स। अगर आप लोगों को डेरिवेटिव अच्छे से आता है सो एक्स ए की पावर एक्स को टी पुट कर दो और इसका डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव आएगा प्रोडक्ट टू लगेगा यहां पर, एक्स का वन हो गया सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ए की पावर एक्स यहां से कॉमन ले लो तो ये बनेगा ए की पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स डी एक्स इज डी टी। अब जरा कंपेयर करो इसको न्यूमरेटर के साथ, इसको कंपेयर करो न्यूमरेटर के साथ, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आने वाली है डी टी। तो भाई ये जो ऊपर जो भी पड़ा है ये तो बन गया आपका डी टी, वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एज इट इज, इसको अपने टी माना है तो ये बनेगा कॉस स्क्वेयर टी, कॉस स्क्वेयर टी मतलब सेकेंड स्क्वेयर टी, और इसका इंटीग्रेशन होगा टेन ऑफ टी प्लस सी। बट क्योंकि मुझे इस बार टी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स में, तो मैं टी की वैल्यू पुट कर दूंगा एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन है जितने भी आज को मैं आज आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, सभी के सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बीच में थोड़ी सी इरेगुलरिटी हो गई थी, मैंने आपको बताया भी था ऐसा क्यों हुआ था, राइट, बट नाउ द लेक्चर्स विल बी अपलोडेड, आई ट्राई टू अपलोड देम ऑन अ डेली बेसिस। जैसे आज भी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है बट स्टिल आई केम कि आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ क्योंकि कल नहीं कर पाया था, तो आज आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा, अभी रिकॉर्ड करके अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स, नो डाउट लिटिल बिट ऑन यू नो इरेगुलरिटी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक चीज़ की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, आपको जितने आप यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे सबसे बेस्ट पॉसिबल कंटेंट आपको यहाँ पर जरूर प्रोवाइड करूँगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम होंगे, आप इन क्वेश्चंस को कंपेयर कर सकते हो अपने बोर्ड के पेपर के साथ। आपको कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर से मिलेंगे, मतलब जितने भी चैप्टर आपको मैं कवर कराऊंगा ना, आपके बोर्ड के क्वेश्चन चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे आपके वो नॉर्मल सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे जरूर करवाए जाएंगे, राइट। चल आगे चलते, देखो भाई इसको ना मैंने ब्रेक कर लिया रूट को, ये कुछ ऐसे बनेगा, अलग क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, राइट, डिफरेंट क्वेश्चन है। अब देखो ऊपर क्या पढ़ा है, रूट एक्स पढ़ा है, ऊपर पढ़ा है रूट एक्स। हमने ये पढ़ा था जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे कि भाई हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ऊपर किसका डेरिवेटिव पढ़ा है, ऊपर किसका डेरिवेटिव पढ़ा है, ऊपर रूट एक्स पढ़ा है। अब रूट एक्स जो है ना इसके डेरिवेटिव में आता है, रूट एक्स जो है वो इसके डेरिवेटिव में आता है, इसका डेरिवेटिव होता है 3/2 एक्स की पावर 1/2। तो जरा ध्यान से देखो, रूट एक्स मतलब किसके डेरिवेटिव में आएगा, एक्स की पावर 3/2, बट मेरे पास कहीं पर भी एक्स की पावर 3/2 है नहीं, तो मैं बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा, ये जो पावर है ना इसको ऐसे कर दिया मैंने, जो पावर थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है 2 से 2 कटेगा फिर से 3 पावर आएगी, राइट। अब आप क्या कीजिए, एक्स की पावर 3/2 को टी पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा 3/2 इंटू रूट एक्स डी एक्स इज डी टी। मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ इतना पार्ट है, तो इस 3/2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा 2/3, ऊपर वाला बन गया आपका 2/3 डी टी। अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं, इसको मैंने टी माना है इस वाले पार्ट को, तो ये बनेगा 1/√1 - t² मुझे पता है कि ये जो है ये जो टर्म है इंटीग्रैंड वाली, ये साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स टी। वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 2/3 साइन इनवर्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। प्यारे बच्चों, अगर आप मेरा लेक्चर डेली भी देखोगे ना, जो भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा और जो भी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा आप उसको भी करोगे तो भी आपके लिए वो सफिशियंट है, आपको अभी कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका पूरा एनसीईआरटी इसमें कवर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे चाहे वो किसी भी अच्छी बुक से हो, वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो चीजें बच जाएंगी, जैसे प्रीवियस ईयर बच गए तो वो भी मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा, वन शॉट्स होंगे वो मैं आपको लास्ट में कवर कराऊंगा, राइट, जब बोर्ड पेपर स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले, ताकि आप वहाँ पे इसको डायरेक्टली रिवाइज कर पाओ। तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ कवर होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है, अगर नीड होगी तो आई लेट यू नो कि ये बुक आप तैयारी के लिए ले सकते हो, फाइन। चल
आगे चलते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये भी अच्छा क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ऐसे ऐसे आपको ना चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वन ओवर वन प्लस कोटेक्स, वन ओवर वन माइनस कोटेक्स, वन ओवर वन प्लस टेन एक्स, वन ओवर वन माइनस टेन एक्स। चारों के चारों क्वेश्चन में एक ही मेथड है। अब क्या करो, यहां पर जो भी दे रखा होगा ना, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, तो ये बनेगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहां पर जो भी दे रखा होगा उसको कोस एक्स और साइन एक्स में कन्वर्ट कर लो। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा साइन एक्स ओवर, एलसीएम लो और उसके बाद वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये कुछ ऐसे बनेगा, राइट। एलसीएम लिया और इसको मैं ऊपर ले गया, इसको उसके बाद आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। स्टेप्स को याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने का यही सबसे बेटर मेथड है, इजी मेथड है। मैंने सब कुछ साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया, एलसीएम लिया, ऊपर ले गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। उसके बाद इसको मैंने ऐसे लिखा, 2 sin x को sin x plus sin x, 2 sin x को लिखा मैंने sin x plus sin x, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x भी आ रहा है, तो मैंने इसके अंदर cos x को ऐड कर दिया और cos x को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x भी आ रहा है, तो इसके अंदर मैंने cos x को ऐड कर दिया और cos x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब स्प्लिट कर लेते हैं जो सेम टर्म्स हैं, जैसे यहां पर sin x है और ये cos x है, तो इसको और इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, तो ये बनेगा sin x प्लस cos x, और जो अलग है उसको अलग कर देते हैं, क्या बचेगा sin x माइनस cos x। जो अलाइक टर्म्स थी, जैसे डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x पड़ा है, तो ऊपर भी मैंने sin x प्लस cos x को इकट्ठा लिख दिया, और जो बच गया उसको मैंने अलग कर दिया। अब इनको स्प्लिट कर लेते हैं, जब स्प्लिट करेंगे तो ये कट जाएगा, वन देगा आपको, और क्या बचेगा प्लस दिस अपॉन दिस। तो इनको स्प्लिट कर लेते हैं, पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्प्लिटिंग के बारे में सीखा था, तो इनको ना स्प्लिट कर लेते हैं। तो भाई स्प्लिट करने के बाद ही कुछ ऐसा बनेगा, वन प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, राइट। ये कुछ ऐसा बनेगा। अब जरा ध्यान से चीजों को देखो, मैंने इसको अलग अलग कर लेता हूं इंटीग्रेशन के लिए। ये कुछ ऐसे बनेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, कुछ ऐसे बनेगा। इसका तो हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, राइट। नो, हमें पता है इसका इंटीग्रेशन एक्स आएगा। बात यहां पर जाकर आई, यहां की बात कर लेते हैं फिर बच्चों। अगर मैं देखूं साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो मतलब डिनोमिनेटर में ना जो चीज पड़ी है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना चाहता हूं, तो ऊपर ये होना चाहिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स। बट मेरे पास थोड़ा सा उल्टा केस है, ये नेगेटिव होना चाहिए था बट ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव होना चाहिए था ये नेगेटिव है, राइट। इसका डेरिवेटिव ये बनेगा। अब इसको मैंने न्यूमरेटर के साथ कंपेयर किया, तो एक माइनस का हेर फेर है, तो मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लूंगा। मैं क्या करूंगा, यहां पर माइनस को बाहर कॉमन ले लूंगा, तो भाई ये बनेगा हाफ टाइम्स ऑफ डी एक्स माइनस हाफ टाइम्स ऑफ, माइनस कॉमन लिया तो ये बनेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। डिनोमिनेटर को टी पुट कर लेते हैं, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी, इसको मैंने टी पुट कर लिया, तो भाई ये बनेगा कोस एक्स और ये बनेगा साइन एक्स माइनस का इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो जितना भी न्यूमरेटर था उस पूरे की वैल्यू क्या आ गई मेरी, डी टी, तो भाई ये बनेगा हाफ टाइम्स ऑफ डी एक्स माइनस हाफ टाइम्स ऑफ, ये पूरा तो क्या बन गया आपका डी टी, और नीचे वाले को मैंने क्या माना था टी, तो ये हो गया 1 बाई टी, ये हो गया 1 बाई टू। बहुत शानदार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये बनेगा x बाई टू माइनस 1 बाई टू एज इट इज, इसका बनेगा log t प्लस c, वैल्यू दोबारा पुट कर लेते हैं t की, तो माइनस 1 बाई टू log ऑफ t की वैल्यू है हमारी sin x प्लस cos x। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ये। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो आई सजेस्ट कि आप ट्राई जरूर कीजिएगा खुद से सेम क्वेश्चन 10x में करने की, 1 ओवर 1 माइनस 10x dx। आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा एंड लेट मी नो कि आपका आंसर क्या डिफर कर रहा है इसका और इसका, राइट। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैंने आपको बता दिया ऐसे ऐसे चार क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उसको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे, एलसीएम लोगे और वो ऊपर चला जाएगा, तो उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2
टू साइन एक्स को ब्रेक कर लो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि नीचे कोस एक्स पड़ा था तो कोस एक्स को ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। जो नीचे पड़ा है उनको सेम कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को यहां पर और प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स को यहां पर, जो सेम सेम थे उसको अलग कर लिया, जो रह गया उसको अलग कर दिया। इसके बाद ना इसको स्प्लिट कर लेते हैं, जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट होकर आपको वन देगा, बचेगा ये, यहां तक हम पहुंच गए। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि यार इसका जो डेरिवेटिव होता है ना उसमें यहाँ पे साइन उल्टे आ रहे हैं, तो मैंने यहां से ना माइनस कॉमन ले लिया। अब डिनोमिनेटर को टी पुट कर दिया, टी पुट करने के बाद ये बनेगा, इसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा, राइट, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को लिख जरूर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा और तीन चार क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा कि आप उनको ट्राई कीजिएगा खुद से, राइट, क्वेश्चन इन सब के ऊपर ही बेस्ड होंगे। अब इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x प्लस ए को टी पुट कर रहा हूँ, आपको मैं भी बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। डेरिवेटिव कर लेते हैं तो ये बनेगा dx equals to dt। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो वो आएगी t माइनस ए, मैंने क्या किया x की वैल्यू निकाली, दैट विल बी t माइनस ए अपॉन साइन ऑफ t, इसको मैंने t माना है। dx और dt की वैल्यू तो इक्वल है तो ये इक्वल हो गए। इसके बाद ये हो गया साइन x माइनस वाई, तो दैट विल बी साइन x माइनस वाई, साइन x cos y माइनस cos x इंटू साइन y, हमने जो आइडेंटिटी यूज की है उसको यहां पर मेंशन करेंगे, राइट, हमने जो आइडेंटिटी यूज की है उसको यहां पर मेंशन करेंगे, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। स्प्लिट कर लेते हैं इनको, जब स्प्लिट करेंगे तो साइन से साइन जाएगा, तो यहां पर बचेगा आपका कोस ए माइनस, जब यहां पे लिखूंगा मैं इसको कोस के नीचे तो कोस अपॉन साइन, दैट विल बी कोट, दैट विल बी कोट इंटू साइन ए, दैट विल बी कोट इंटू साइन ए। शानदार क्वेश्चन है। अब बेनिफिट क्या हुआ x प्लस ए को टी पुट करने का, क्योंकि सोच के देखो अगर मैं ये साइन x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में लगाता तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, अगर वही सेम आइडेंटिटी मैं न्यूमरेटर में लगाता तो वो चीजें स्प्लिट कर देता मेरा, क्योंकि न्यूमरेटर स्प्लिट हो सकता है डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं होता है। तो ये जो आइडेंटिटी यहां लग रही थी नीचे वो कहां लगनी चाहिए थी, ऊपर लगनी चाहिए थी, इसलिए मैंने नीचे वाले को टी पुट कर दिया ताकि ऊपर वाला इस फॉर्म में बन जाए, राइट। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कॉस ए, देखो इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ पर टी नहीं है, तो मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मेरे को बताया था अभी थोड़े पहले भी, इसको सेम लिख दो और साथ में जो भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है वो वेरिएबल यहाँ लिख दो। उसके बाद माइनस साइन ए फिर से कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। कॉट टी का इंटीग्रेशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, कॉट टी का इंटीग्रेशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये बनेगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं फिर से टी की, टी की वैल्यू है आपकी एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, राइट। इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बस ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि यहां पर जो ये डिनोमिनेटर में पड़ा है ना, यहाँ एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी लगाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला हमें, रीजन बिंग क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म्स आ जाएंगी और डिनोमिनेटर कभी स्प्लिट नहीं होता है, स्प्लिट सिर्फ न्यूमरेटर होता है, तो ये जो चीज हम यहां लगाने की कोशिश कर रहे हैं वहां कहां होनी चाहिए थी, ऊपर होनी चाहिए, राइट। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है, राइट। हम ये देखते हैं कि न्यूमरेटर में किसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो कोस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का, और माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है कोस एक्स का, तो आप एक काम करो इसको टी पुट कर दो, आप एक काम करो इसको टी पुट कर दो। मैंने क्या किया यहाँ पर, कोस एक्स साइन का डेरिवेटिव होता है और माइनस साइन एक्स किसका होता है कोस एक्स का, तो मैंने इसको टी पुट कर दिया, तो ये बनेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ऊपर वाला पूरा तो पूरा क्या बन गया मेरा डी टी, ऊपर वाला क्या बन गया मेरा पूरा डी टी। अब बात आई साइन टू एक्स की, मेरे पास साइन टू एक्स नहीं है यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर साइन टू एक्स नहीं है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे जरा ध्यान से देखो, करने के बहुत सारे मेथड हैं इसके यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं कैसे कर सकते हैं इसको, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने ना यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दी, मैंने क्या किया यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दी, तो स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर। एक्सपेंड कर लेते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स
प्लस टू साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कर दी मैंने यहां पे दोनों साइड, स्क्वेयरिंग को एक्सपेंड कर लिया। हमें पता है कि ये तो वन होता है प्लस, और ये हमें पता है साइन टू एक्स होता है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि ये किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन टू एक्स की, इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो भाई ये जो डिनोमिनेटर में पढ़ा था, इस पूरे की वैल्यू क्या बन गई मेरी, टी स्क्वायर। तो भाई इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहां पर, टी स्क्वायर। ये हो गया मेरा पूरा टी स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको पहले ऊपर लेके जाएंगे, माइनस टू बनेगी पावर, उसके बाद पावर में एक एड डिवाइडेड बाय सेम पावर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, वन ओवर टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख सकते हो, और इस मेथड को याद कर लो, क्योंकि ना सेम क्वेश्चन आपका ना डेफिनेट में पूछा जाता है। मतलब कमाल की चीज मैं आपको बताता हूँ, ऐसे से ना एक सेम क्वेश्चन डेफिनेट में पूछा जाता है, डेफिनेट जो इसका सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन का। वहां पर एक बार यहाँ पर 9 और यहाँ पे 16 था, दूसरी बार यहाँ पर 16 था और यहाँ पर 9 था, राइट। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में से था, एक जगह पे 16 था एक जगह पे 9 था, अगली बार 9 पहले आ गया 16 बाद में आ गया, पर क्वेश्चन सेम था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। चेक, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा कैसे कर रहा हूं मैं इसको। आप एक काम कीजिए, जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कोस एक्स से डिवाइड कर दीजिए। मैंने डिनोमिनेटर में कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस एक्स से इसको डिवाइड कर दिया, तो साइन के नीचे कोस आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर बन गया। भाई अब देखो जरा ध्यान से, ये रूट टेन एक्स एज इट इज, ये कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स। नीचे की बात कर लेते हैं, नीचे ये बचा और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है हमारा, टेन एक्स। ये हाफ पावर ऊपर है और वन पावर नीचे है, तो जब ये सेम पावर लेके जाऊंगा मैं, अगर ये पावर नीचे जाएगी तो नीचे बनेगा भाई रूट टेन एक्स, नीचे क्या बनेगा हमारा, रूट टेन एक्स। और मुझे पता है कि ऊपर सेकेंड स्क्वायर एक्स पड़ा है वो किसके डेरिवेटिव में आता है, टेन एक्स के, तो मैंने टेन एक्स को टी पुट कर दिया, मैंने टेन एक्स को टी पुट कर दिया, तो ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ऊपर वाला पूरा का पूरा बन गया मेरा डी टी, और नीचे वाले को मैंने टी माना है, तो ये बनेगा रूट टी, ये बनेगा रूट टी। और रूट टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले पावर को ऊपर लेके आएंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में एक एड डिवाइडेड बाय सेम पावर। तो ये बनेगा भाई पावर में एक एड डिवाइडेड बाय सेम पावर। टी की वैल्यू दोबारा पुट कर लेते हैं, यहां पर टी की वैल्यू दोबारा पुट कर लेते हैं। चल टी की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे तो भाई ये बनेगा टू एज इट इज। टी की वैल्यू क्या है हमारी यहां पर, ये टी की वैल्यू क्या है हमारी, टेन एक्स। तो ये बनेगा टू रूट टेन एक्स प्लस सी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चल आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैं स्ट्रॉन्गली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना, अच्छे से लिखना, कोई भी स्टेप स्किप मत करना। आई एम डैम श्योर आप जब भी आप बोर्ड के पेपर में बैठोगे इस लेक्चर में से आपको क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, राइट। इस लेक्चर में से आपको क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, तो क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक स्टेप गलत हुआ तो आप ऐसे लगा लीजिए कि आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। चलिए, जब भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा ना, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को टी पुट कर दो। जब भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा ना, आप उसको टी पुट कर दो, राइट। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आएगा, जो भी होता है यहां पर 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स। कोस का डेरिवेटिव करूंगा तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अगर ध्यान से देखिए, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स में आप डिनोमिनेटर को देखिए, ये क्या होता है, ये तो साइन एक्स होता है, ये क्या होता है हमारा, साइन एक्स होता है, और ऊपर पड़ा है माइनस का साइन एक्स,
ऊपर पड़ा है माइनस का साइन एक्स, तो इससे ये गया, दैट इंप्लाइज इस नेगेटिव को उधर ले जाओ, डीएक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ये क्या बनेगा, डीएक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। कितना दिखने में कितना गंदा था, और क्वेश्चन को देखो कितना आसान हो गया। इसको मैंने टी माना है पूरे को, तो ये पूरा तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर टी। डीएक्स की वैल्यू क्या आई है अभी यहाँ से, माइनस डी टी। जरा ध्यान से देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया, अभी दिखने में कितना गंदा था और कितना आसान बन गया। इसलिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा ना 99% केसेस में ये चल जाती है ट्रिक। आप उस पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ना टी पुट कर दो और आपका काम आसान हो जाएगा। फाइन, चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं दोबारा से। टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है हमारी, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाय टू प्लस सी, बाय टू प्लस सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है ये क्वेश्चन। चल आगे चलते हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। देखो बोर्ड का जो पेपर बनता है ना, जो पेपर के क्वेश्चंस डालता है, वो ये सोचता है कि यार ऐसा क्वेश्चन डालो जिसमें ना एक से ज्यादा कंसेप्ट आपके सेम टाइम पे चेक हो जाए। कंसेप्ट ज्यादा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन बनेगा, तो यही कोशिश करता है कि ऐसा क्वेश्चन उठाओ जिसमें एक से ज्यादा कंसेप्ट इकट्ठे लग रहे हो। फाइन, ऐसे बोर्ड क्वेश्चंस डिसाइड किए जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोग देख के भी खुद कर लोगे, बहुत इजी है। कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, सेकंड स्क्वायर बनेगा और नीचे आएगा 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर पड़ा है सेकंड एक्स, सेकंड स्क्वायर एक्स किसके डेरिवेटिव में आता है, टेन एक्स के, टेन एक्स यहां पड़ा है तो मैं पूरे को ही टी पुट कर लेता हूं। इसको मैंने टी पुट कर लिया तो ये बनेगा माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी टी। नीचे वाले को मैंने टी माना था तो ये बन गया टी स्क्वायर, ये पूरा बन गया आपका माइनस डी टी, इसकी जगह पे टी आ गया तो ये बन गया टी स्क्वायर। इसको ऊपर लेके चलते हैं, माइनस टू पावर बनेगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, माइनस एक ऑलरेडी पड़ा है, एक यहां से आएगा क्योंकि पावर में कैसे करेंगे हम लोग, पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर। ये भी नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, दोनों कट जाएंगे तो ये बनेगा 1 ओवर टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज 1 ओवर 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, 1 ओवर 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट बहुत बेसिक क्वेश्चन था। जब आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत बार कर लोगे ना, आपको देख के भी पता लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए, ये इजियर वे होता है, राइट। टीचर का क्या रोल है उसमें, मेरा क्या रोल है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जब भी फ्यूचर में कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें ऐसी कुछ चीजें रखी होंगी, ये ट्रिक लग रही होगी, ये पिछले क्वेश्चन वाली ट्रिक लग रही होगी, तो मेरे को आपको ट्रिक सिखानी है कि करना कैसे है। जैसे ऊपर किसका डेरिवेटिव पड़ा है उसको टी पुट कर देते हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, टीचर का ये रोल है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट आई रिकमेंड मैं आपको बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस कराऊंगा कि जो आपके काम के हैं। फालतू क्वेश्चंस हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं है फालतू पढ़ के जो पेपर में ही नहीं आने हैं, वही पढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए सबसे अच्छे हैं, आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो, जिससे शुरू में आपका कंसेप्ट स्ट्रांग करेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे सेम कंसेप्ट से रिलेटेड, बट फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और इनमें से आपका बोर्ड का पेपर बनने वाला है। फाइन, चल आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेंथी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ऐसे ऐसे भी ना चार क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे ऐसे भी चार क्वेश्चंस बनते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। साइन साइन हो सकता है जैसे इस क्वेश्चन में है, साइन कोस हो सकता है, या फिर कोस कोस हो सकता है, या फिर कोस साइन हो सकता है, चार केस पॉसिबल है। मैं आपको चीज सिखा देता हूँ कि ट्रिक कैसे करनी है। अगर यहाँ पर सेम सेम है, साइन साइन आ जाए या कोस कोस आ जाए, दोनों सेम है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे साइन ऑफ ए माइनस बी से। अगर यहां पर दोनों सेम हो, चाहे साइन साइन हो या कोस कोस हो, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे किससे, साइन ऑफ ए माइनस बी से। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, साइन ऑफ ए माइनस बी से। अगर दोनों सेम ना हुए, एक साइन हो गया एक कोस हो गया, तो उस केस में फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर कोस आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर दोनों सेम नहीं है, एक साइन है दूसरा कोस है, तो यहां पर साइन की जगह पे बस कोस आ जाएगा, इतना फर्क होगा, उसके बाद सारा स्टेप सेम चलने वाले हैं। फाइन, अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या करने वाला हूं इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ना यहां अंदर
ये जो अंदर a माइनस बी पढ़ा ना, यहाँ पर ये दोनों एंगल बनाना चाहता हूँ, x माइनस ए बी और x माइनस बी भी, मैं इसके अंदर ये एंगल बनाना चाहता हूँ x माइनस ए और x माइनस बी। तो यहाँ पर x ऐड करना पड़ेगा और x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, रीजन बींग क्योंकि मुझे फिर x भी चाहिए। तो x को मैंने ऐड कर दिया अंदर ही और x को मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, x को मैंने ऐड कर दिया और x को मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है, ये बनेगा कुछ ऐसे, मैंने अंदर ही x ऐड किया और x सब्ट्रैक्ट किया। हमारा एम क्या है, हमें जो नीचे एंगल है वही ऊपर बनाना है अंदर में। तो नीचे x माइनस ए है और x माइनस बी है, मुझे ऊपर x माइनस बी और x माइनस ए बनाना है। ये वाला स्टेप बड़ा अच्छा है, जरा ध्यान से समझिएगा। इस x को लिया मैंने और माइनस बी को लिया, एक तो बन गया x माइनस बी, तो ये गया और ये गया, इस x को लिया और इस माइनस बी को लिया, राइट। क्या क्या बच गया मेरे पास, एक a बचा है एक माइनस का x बचा है, एक a बच गया एक माइनस x बच गया, बट मुझे x माइनस ए चाहिए और मेरे पास क्या बच रहा है, a माइनस x। तो मैंने क्या किया, इसमें से और इसमें से ना माइनस कॉमन ले लिया, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, राइट। उसमें से और उसमें से मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। हमारा एम यही था कि जो डिनोमिनेटर में पड़ा है वही हम लोग बनाएंगे न्यूमरेटर में बनाएंगे। तो x माइनस बी एक इकट्ठा कर दिया मैंने, इस a में से और माइनस x में से माइनस कॉमन लेके लिख दिया मैंने, x माइनस a बनेगा। बेनिफिट क्या होगा इसका, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर इसको मैंने a मान लिया और इसको b मान लिया, तो ये लिखा हुआ है साइन a माइनस बी, ये क्या लिखा हुआ है, साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी हमें आती है, तो हम वो आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वो आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये 1 ओवर साइन ऑफ a माइनस बी एज इट इज, चलो आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, राइट। ये बनेगी हमारी आइडेंटिटी, ये बन गई हमारी आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी यूज की है उसको आप लोग यहां पर मेंशन करोगे। क्या यूज किया हमने, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब इनको ना स्प्लिट कर लेते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, इनको स्प्लिट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इनको स्प्लिट कर लेंगे। सो ये एज इट इज, साइन ऑफ ए माइनस बी एज इट इज जो बाहर पड़ा था। जब स्प्लिट करूंगा जरा ध्यान से देखिए, इसको इससे डिवाइड करना है, राइट। इसको इससे डिवाइड करना है, इस वाली टर्म को इससे डिवाइड करना है, राइट। चलिए डिवाइड करके लिख लेते हैं। जब इसको इससे डिवाइड करूंगा जरा ध्यान से देखो, यहां पर साइन एक्स माइनस बी आ रहा है और यहां पर भी साइन एक्स माइनस बी आ रहा है, तो ये कट जाएंगे। यहां पर भी साइन एक्स माइनस बी आ रहा है, यहां पर भी साइन एक्स माइनस बी आ रहा है, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए। क्या बचेगा, cos of x minus a upon sin of x minus a, बीच में माइनस का साइन है। अब इन दोनों को कर लेंगे डिवाइड। जब इनको डिवाइड करूंगा जरा ध्यान से देखो, sin x minus a sin x minus a, तो ये इससे गया, क्या बचेगा, cos of x minus b upon sin of x minus b, राइट। तो ये बचेगा आपके पास, इनको स्प्लिट करके। चलिए कोस अपॉन साइन सेम एंगल है तो कोट बनेगा, तो ये बनेगा कोट ऑफ एक्स माइनस ए। सेम यहां पर भी, ये भी क्या बनेगा, कोट बनेगा, कोट ऑफ एक्स माइनस बी, कोट ऑफ एक्स माइनस बी, राइट। चल कोट का इंटीग्रेशन हमें आता है, क्या बनता है, कोट का इंटीग्रेशन हमें आता है लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन ऑफ जो भी एंगल पड़ा है माइनस। सेम यहां पर भी log of mod of sin of x minus b plus c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, राइट, बट इंपॉर्टेंट है। एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं कि हम लोगों ने क्या किया यहां पर। जब जब क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा और नीचे दोनों सेम होंगे, आप हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे sin a माइनस बी से, राइट। उसके बाद मैंने इसी के अंदर x ऐड किया और x को सेपरेट कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि यहां मैं ना अंदर सेम एंगल बनाना चाहता हूं जो यहां पर पड़े हैं, फाइन। तो x को ऐड किया, x को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
इसको रीअरेंज करके मैंने ऐसे लिखा और इसके अंदर लगाया मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, दैट इज साइन ए कोस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद स्प्लिट कर लिया है इनको, स्प्लिट करने के बाद ये बनेगा, ये कोट हो गया, ये भी कोट हो गया, यहाँ x माइनस ए है, यहाँ पर x माइनस बी है। कोट का इंटीग्रेशन हम लोगों को ऑलरेडी आता है, ठीक है, कोट का इंटीग्रेशन हम लोगों को ऑलरेडी आता है, कोट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन, तो भाई इसकी जगह पे आ गया, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में दोनों सेम सेम थे ना, साइन साइन था। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको बस स्टार्टिंग बताऊंगा मैं, उसके बाद आप लोग खुद ट्राई करोगे। अभी आपको मैंने बताया कि जब दोनों अलग अलग होंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कॉस ए माइनस बी से, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कॉस ऑफ ए माइनस बी से। उसके बाद सारे स्टेप सेम है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे, उसके बाद सारे स्टेप सेम है। आप यहां अंदर एक्स को एड करोगे, एक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, देख लो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपने एक्स ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, फिर रीअरेंजमेंट करी थी, ठीक है। ये आप लोग खुद ट्राई करोगे, ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे क्वेश्चन को, और उसके बाद आप मुझे बताओगे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फाइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ जो थोड़ा सा अलग है, आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ जो थोड़ा सा अलग है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर कोस कोस है, दोनों सेम है, इनका डिफरेंस कीजिए 3x और 2x का, 3x का और 2x का डिफरेंस क्या होता है, x होता है, ऊपर x पड़ा हुआ है ना, बस मेरा काम चल गया, ठीक है। यहाँ पर नीचे दोनों सेम है, और 3x माइनस 2x करूंगा तो x आएगा, ऊपर x पड़ा हुआ है, तो ये जो ऊपर x पड़ा हुआ है ना, इसको लिखा मैंने 3x माइनस 2x, इसको लिखा मैंने 3x माइनस 2x, फाइन। और नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज। अभी पढ़ा था हम लोगों ने साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही है, बस बीच में से शुरू हो गया अभी, ठीक है। ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें साइन साइन आ रहा था नीचे, राइट, बस ये बीच में से शुरू हो गया। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट करेंगे तो कॉस 2x से कॉस 2x गया, क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ये बचेगा हमारा साइन अपॉन कोस, दैट इज टेन थ्री एक्स माइनस, जब इनको स्प्लिट करूंगा कोस थ्री एक्स से कोस थ्री एक्स गया, साइन टू एक्स अपॉन कोस टू एक्स, दैट इज टेन टू एक्स, दैट इज टेन टू एक्स। टेन का इंटीग्रेशन हमें आता है, टेन का क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ सीकेंट एक्स, और जो एक्स का कोफिशियंट है उससे डिवाइड करेंगे। सेम यहां पर भी लॉग ऑफ मोड ऑफ सीकेंट टू एक्स आएगा, और जो x का कोफिशिएंट है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, राइट, अच्छा क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही है, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था, मेरे मन में थी, जैसे अभी बीच में मैंने आपको बताया था कुछ कुछ इश्यूज थे फैमिली में, राइट, तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, कुछ ने बोला कि नहीं सर लेक्चर हमें तो चाहिए, क्योंकि यार ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कुछ कहते सर लेक्चर तो हमें चाहिए, ऐसा नहीं होता यार, हम लोग भी इंसान हैं, हमारी भी फैमिली है, हमारे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फैमिली में, ठीक है। माय वाइफ वाज इन हॉस्पिटल, राइट, सो दैट इज अ सीरियस इशू फॉर मी, राइट। तो यार जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं आप लोगों के लिए तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, मैं ऐसा नहीं चाहता कि ऐसे कुछ भी टाइम पास लेक्चर उठाया और यहाँ आपको पढ़ा कर रिकॉर्ड करके दे दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको बस इतना दिख रहा है कि मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बट इससे पहले बहुत सारा प्रोसेस होता है, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, पहले क्वेश्चन डिसाइड करने पड़ते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको करवाने चाहिए, कौन से आप लोगों के लिए कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कौन से आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर उनको टाइप करना पड़ता है, फिर उनको इंसर्ट करना पड़ता है, फिर जाके एक लेक्चर रिकॉर्ड होता है जो फाइनल होता है, उसके बाद अपलोडिंग रहेगी, बहुत सारा प्रोसेस होता है, राइट। तो प्यारे बच्चों मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा ना यूट्यूब पे, मैं कुछ ऐसा कंटेंट दूंगा जो बहुत सुपीरियर होगा, मतलब जितने भी आप लोग चैनल से पढ़ोगे सुपीरियर कंटेंट आपको मिलने वाला है यहाँ पर। तो उसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ड्यू टू सम रीजंस लेक्चर थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है, तो हैव पेशेंस। कुछ बच्चों ने बहुत कॉपरेट किया, कहते सर फैमिली पहले आ रही है, बहुत भी कॉपरेट किया कुछ बच्चों ने, ठीक है, कुछ ने डीएम किया मुझे इंस्टा पे कि हाँ सर ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, जो भी है, आई गॉड विश यू की जल्दी से कुछ हो जाए, आपका जो भी प्रॉब्लम चल रही है ठीक हो जाए, फाइन। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड समझो टीचर की भी कुछ मजबूरी होती है, ठीक है, टीचर की भी कुछ मजबूरी जरूर होती है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिएगा। ये जितने भी हम लोगों ने अभी तक
पढ़े हैं क्वेश्चंस उनके ऊपर, डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई जरूर कीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे आपने इसको ट्राई किया। आज के लेक्चर से ही जुड़ा एक क्वेश्चन है, बीच वाला आपको थोड़ा अलग लगेगा बट ये आज के लेक्चर से ही जुड़ा क्वेश्चन है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइन, तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही है, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। फाइन, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।